लगेगा नहीं, जैसे ही कोई बुरे विचार आएंगे तुरंत आपका भीतर का मन खुल जाएगा और कुछ दिनों के बाद आना ही बंद हो जाएंगे। आपको हर समय आंखों में महापुरुष ही दिखाई देंगे, वो संत ही दिखाई देंगे। ये सबसे उत्तम औषधि है। और हम कलयुग में निवास करते हैं, कलयुग में जब ऐसी बातें आती हैं तो संत मान लो नहीं कृपा कर पा रहे हैं, तो पर हे राधा माधव, राधा माधव पुकारो, हे कुंज बिहारी, राधा माधव, हे कुंज बिहारी, हे गोपी जन हे राधा।
प्रभु का भजन गुनगुनाना शुरू करो, पाप से बच जाओ। सुपड़ खाने जाकर रावण को ललकारा, रावण यति का वेश बनाकर सीता जी का हरण करने आ गया। वो घटना भी आप जानते हैं, सीता जी जैसी नारी का हरण कैसे हो गया भरी दोपहरी में। सामान्य महिला नहीं है ये महाराज जनक की बिटिया हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ की पुत्र वधु हैं, ब्रह्म की अर्धांगिनी है। भगवान इस दंडक वन में विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान हैं, और भरी दोपहरी में बुराई चुरा कर ले गई, हरण करके ले गई जानकी जी का। चुराई नहीं है, हरण किया है। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बेटे और बेटियां लोग कैसे बिगड़ते हैं, ये दर्शन है इस प्रसंग में। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जानकी जी ने तीन भूलें की हैं, और जो तीन भूल करता है उसे भगवान भी बचा नहीं पाता। इसी दंडक वन में भगवान बैठे, नहीं बचा पाए जानकी जी को। तीन गलती की, पहली, एक तो जानकी जी ने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया, बोले जाओ मृग मार कर लाओ, भगवान साथ हैं, माया के लिए रो रही हो, कोई बात नहीं। भगवान गए, संत तुम्हारी रक्षा कर रहा था, लक्ष्मण जी विराजमान थे, तुमने संत को भी डांट फटकार कर गाली गलौज करके बाहर कर दिया। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, मां कैसी बात करती हो, भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, उन पर कभी संकट आ सकता है। बोले मैं कहती हूँ जाओ। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विचित्र भाषा का प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी जी ने बहुत मर्यादा के शब्द लिखे, बस इतना ही लिखा है, मर्म वचन जब सीता बोला। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मैं जा तो रहा हूं, मेरा मन तो नहीं कह रहा, लेकिन आप भेजती हो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आज मुझे अपशगुन दिखाई दे रहा है। इस कारण, बोले सृष्टि के तीन नियम टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या? बोले अभी तक मैं सुना करता था कि माया ब्रह्म के पीछे दौड़ा करती है, आज मैंने ब्रह्म को माया के पीछे दौड़ता हुआ देखा है, पहला। और मैं सुनता था कि जीव पर संकट आता है और जीव पुकारता है भगवान को, प्रभु रक्षा करो, लेकिन आज भगवान पर संकट आया है और भगवान रक्षा के लिए पुकार रहा है, हा लक्ष्मण रक्षा करो। और तीसरे, जीव के संकट रक्षा के लिए भगवान दौड़ कर जाते हैं, आज भगवान के संकट रक्षा के लिए जीव दौड़ कर जा रहा है। ये तीन मुझे अपशकुन और सृष्टि के नियम टूटते दिखाई दे रहे हैं, मैं जा तो रहा हूं, पर मेरी एक प्रार्थना है। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से एक रेखा खींच दी कुटिया के बाहर, बोले आप इस रेखा का उल्लंघन मत कर दीजिए, आप सुरक्षित बनी रहेंगी, और रेखा आपने उल्लंघन कर दी, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जानकी जी ने तीसरी भूल कर दी, वो तीसरी रेखा भी उल्लंघन कर दी, रेखा का भी उल्लंघन। रावण जब आया है, तो जब जानकी जी यति के वेश में आया, और ये वेश दोनों प्रकार के लिए सुविधाजनक है, भोग भोगना है तो अभी इस वेश में आसानी से भोग सकते हो, और भगवत प्राप्ति करनी है तो अभी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, भोग दोनों प्रकार की चीजें देता है। बस निर्णय अपने को करना है, हमने वेश किस लिए धारण किया है, भोग के लिए या भगवान के लिए, तो हमारी ही आत्मा जानती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है, सुविधा पूरी है दोनों के लिए। तो रावण ने जब जानकी जी भिक्षा लेकर आई, तो रावण ने नकली साधु ने नकली सिद्धांत में फंसा लिया सीता जी को, बोले मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता, आप रेख लांग कर आइए। सीता जी ने मना किया है, हमारे ब्रज में ये गीत लिखा गया है, हालांकि ब्रज भाषा आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, गा लीजिए। रेख लांगी के नाही आऊं रे मोही लगी है दीवर की, आंग भला रे मोही लगी।
प्राणेश्वर में मृग के पीछे सुरति लगाए कुटिया में अकेला मैया ओ मृग के पीछे सुरति लगाई रघुवर प्राणेश्वर में मृग के पीछे सुरति लगाई रघुवर प्राणेश्वर ने और रेखा खींच सत्य की दीनी लक्ष्मण यति देवर में भिक्षा लूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। तुम तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन जाए, आपके द्वार से भिखारी खाली हाथ लौटेगा तो रघुवंश को कलंक लगेगा। क्या आप अपने कुल को कलंक लगाने के लिए बहु बन कर आई हो? नकली सिद्धांत बोल दिया है। बंदी भीख ना लूं लूं तो होई नरक में वास, बंदी भीख ना लूं लूं तो होई नरक में वास, और जो देवी भिक्षा नहीं डालो योगी जाए उदास मोहि। दियो प्रकट भय लंकेश्वर बलधारी मोहि जगिए देवर की आन, भलाए मोहि जगिए देवर की आन, रेख राधी के नाहि आऊं रे मोहि जगिए देवर की आन, भलाए मोहि जगिए देवर की आन। तीनों भूले जानकी जी से हो गई। बंधु और बहनों, भगवान पर भरोसा नहीं है कोई बुराई नहीं, मैं भी मानता हूं। हमको भी भगवान पर भरोसा नहीं रहता है, हमको भी यजमान पर ही भरोसा रहता है। हम भी कथा भगवान को सुनाने नहीं आते, यजमान को ही सुनाने आते, दक्षिणा तो यजमान ही देगा। तो मैंने मान लिया कि भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन संत हमारी रक्षा के लिए विराजमान है। तुमने संतों से भी, अरे आजकल कहाँ संत हैं, घोर कलयुग है, सब संत हैं, सब ठग हैं, सब दुकानदार हैं, सब व्यवसायी हैं, सब ये हैं, सब वो हैं। आपने संतों पर भी टिप्पणियाँ करके संतों से भी भरोसा उठा दिया। चलो मान लिया मैंने कि आपको कोई संत भी नहीं दिखाई देता, भगवंत पर भी आपका भरोसा नहीं, लेकिन संतों ने शास्त्रों के माध्यम से मर्यादा की कुछ रेखाएँ बनाई हैं, कुछ लीक बनाई हैं। आप अगर उन शास्त्रों की मर्यादाओं का, लीक का, रेख का पालन भी करते रहोगे तो भी बुराइयों से बच जाओगे, लेकिन जीवन में कोई मर्यादा ही नहीं बनाओगे तो भगवान भी तुमको बचा नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं वैसे नहीं पीते, महाराज जी क्या बताएं, मजबूरी है, हमारा रियल इस्टेट का काम है ना, तो थोड़ा अफसरों के पास बैठना उठना पड़ता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा एक आधा घूंट पी लेते हैं ऐसे। नहीं भाई, कोई न कोई मर्यादा चाहिए, कोई न कोई, नहीं नहीं, यहाँ तक तो हम आपके साथ खड़े हैं, यहाँ से आगे नहीं कदम बढ़ाएंगे, हमारे पिताजी की नाक कट जाएगी, कुल को कलंक लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारे घर की बदनामी, क्षमा करिए, मित्रता रखो न रखो, यहाँ तक तो हम आपके साथ हैं, यहाँ से आगे नहीं। अगर आप कोई जीवन में रेख मान कर चलोगे, अपनी ही मर्यादा का पालन स्वयं करते रहोगे, इसलिए गणेश चतुर्दशी आ रही है, गणेश चौथ में गणेश जी के आयुध देखिए, गणेश जी के एक हाथ में पास है, गणेश जी विवेक के देवता हैं, गणेश जी कहना चाहते विवेक का पालन करो और बंधन स्वयं स्वीकार करो, बंधन कुछ न कुछ मर्यादा के स्वयं स्वीकार करो, अपने हाथ में नहीं तो
पुलिस बंधन में बांध देगी, बेड़ियों में जकड़ देगी, समाज आपको बंधन में बांध देगा। अगर आप अपना बंधन नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर समाज और कानून आपको बंधन में बांध देगा। ये गणेश जी की चौथ जो पूजी जाती है ऐसे नहीं पूजी जाती, उसका पूरा का पूरा एक शास्त्र है, पूरा पूरा एक विज्ञान है उसका। कुछ न कुछ मर्यादा का पालन अवश्य करिए। और देखो जानकी जी क्या भूल कर रही है, नहीं नहीं मैं रेखा नहीं लागूंगी, मेरे देवर मना करेंगे, रेखा नहीं लागूंगी, और पैर आगे बढ़ाती जा रही हैं और मना मुंह से करती जा रही हैं। रावण पैर देख रहा था, होंठ नहीं देख रहा था कि पैर रेखा के बाहर आ रहा है। और हम में से कई लोग शायद करते होंगे, मैं करते हैं ये मैं नहीं आरोप लगाऊंगा, कई करते होंगे मित्र मंडली में टेबल पर बैठे गिलास पकड़ते, नहीं नहीं यार मैं तो कभी लेता नहीं, नहीं नहीं यार मैं तो लेता नहीं, और ऐसे हाथ बढ़ाते जाते गिलास थाम लेते, होठों से बोलते जाते नहीं नहीं यार ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, और ले लेते। क्रिया कुछ होती है, होठ कुछ बोलते। सीता जी का अपहरण हो गया, गीतराज जट। और एक बार अगर जीवन की भक्ति शांति शुद्धि अपहृत हो जाती है, एक बार जानकी जी का अपहरण हो गया तो भगवान को पुनः जानकी जी को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, हमारी और आपकी हैसियत कुछ नहीं। गीतराज जटायु ने जरूर थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन रावण उनको भी घायल करके चला गया। भगवान जब गीतराज जटायु को जाकर मिले हैं तो जटायु की धूर जटान सुझारी। जब सारी घटना जटायु ने सुनाई तो कहा चाचा जी आपको मैं स्वस्थ जीवित कर दूं? बोले नहीं बेटा, मैं तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। और पुरानी बात सुनाने लगे कि एक बार तुम्हारे पिताजी की युद्ध में मैंने सहायता की थी, युद्ध में उनके प्राण संकट में आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि गीतराज कोई वरदान मांगो। मैंने कहा राजन आज नहीं, मुझे भविष्य के लिए वरदान दे दीजिए, मैं अविवाहित हूँ, मेरा अंतिम संस्कार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो एक जब आपको बेटा पैदा हो जाए और मेरा अंत समय आ जाए, आप एक बेटे को मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दीजिए। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि दशरथ जी के चार चार बेटे थे, लेकिन अंत समय में उनको जलांजलि देने के लिए एक भी बेटा उनके पास नहीं था। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इस गहन वन में भी अंत समय में दो दो बेटे मुझे गोद में लिए बैठे हैं मेरा संस्कार करने के लिए। और जो स्थिति दशरथ जी को नहीं प्राप्त हुई, मुझे भारतीय संस्कृति में पिता का संस्कार बड़ा बेटा करता है तो अच्छा माना जाता है, वैसे कोई बेटा करे लेकिन बड़ा बेटा जब अग्नि संस्कार करता है तो उसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। दशरथ जी का संस्कार बड़े बेटे के द्वारा नहीं हुआ, गीतराज जटायु का संस्कार बड़े बेटे के द्वारा हुआ, राम जी के द्वारा हुआ। अब मुझे जाने दो, गीत गयो हर धाम। यहाँ से भगवान आगे बढ़े और शबरी जी के आश्रम, मानस की दिव्य पात्र शबरी 18 वर्ष की उम्र से बैठी है मतंग ऋषि के आश्रम। 18 वर्ष की उम्र से जवानी में आई थी। गुरुदेव एक दिन कहकर गए बिटिया तेरे द्वार पर एक दिन भगवान श्री राम आएंगे, ये नहीं पूछा कब आएंगे। गुरुदेव कहकर जा रहे हैं, गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती, सत्य की वाणी संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। गुरु ने कहा है, संत ने कहा है, जरूर आएंगे। भरोसा करके बैठ गई। और मैंने कई बार बोला है भगवान तो प्रतीक्षा से ही मिलते। 18 वर्ष की लड़की मतंग ऋषि के आश्रम में भगवत स्मरण में बैठी प्रतीक्षा करते 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 78 वर्ष की उम्र थी जिस समय शबरी के द्वार पर भगवान आए हैं। 60 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, नाम ही शबरी पड़ गया। इसका नाम शबरी नहीं था, वनवासी की लड़की थी, लीलावती कलावती कुछ भी नाम रहा होगा, नाम शबरी पड़ गया। कारण सबर करके बैठ गई, भरोसा करके सबर करके बैठ गई कि भगवान जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हम सब चाहते हैं कि भगवान आए लेकिन नहीं आते। हमारे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस पर बहुत अच्छा एक गीत लिखा है, केवल एक पद गा लीजिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवार,
रास्ते में खड़े थे, प्रभु रुकिए, प्रभु आश्रम आइए, प्रभु कुटिया पर पधारिए। भगवान का नहीं, मुझे शबरी जी के, मुझे शबरी जी क्या उनका मार्ग बताइए, मुझे शबरी जी के आश्रम पर जाना। 60 वर्ष प्रतीक्षा करते करते बैठी है, बुहारी लगाकर फल आदि टोकरी में रखकर द्वार की ओर टकटकी लगाकर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। आज भगवान आ गए, भगवान द्वार पर खड़े हैं, सबरी कीर्तन में झूम रही है। भगवान द्वार खटखटा रहे हैं, देवी द्वार खोलो, सबरी कीर्तन में डूबी है। और ये सिद्धांत है बंधुओं और बहनों, जिस घर में संध्या के समय परिवार के छोटे बड़े बाल बच्चे बूढ़े जवान सब बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाया करते हैं, दरवाजे पर आ जाते हैं। ये नियम, या तो कीर्तन करो नहीं तो कलह करनी पड़ेगी। आजकल कीर्तन बंद हो गया तो कलह होती है, क्योंकि शाम को ही मौका मिलता है, वो दिन भर लाठी पर तेल लगाया जाता है, शाम को आएगा तो सही बेटा लौट कर, तो शाम को होता है। कीर्तन करो नहीं तो कलह, ये कीर्तन कर रही है। भगवान दरवाजा खटखटा रहे, गुरुदेव को चिंता हो गई, अरे प्रभु द्वार पर आए कहीं लौट न जाए। एकदम गुरुजी की चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख। शबरी ने सुना कि आवाज तो मेरे गुरुजी की सी लग रही है, और गुरुजी तो 60 वर्ष पहले शरीर छोड़ गए, गुरुजी कहाँ। लगा मुझे कोई शायद भ्रम होगा, फिर कीर्तन में लग गई। फिर भगवान ने कहा, गुरुजी ने कहा शबरी देख। शबरी ने ऐसे से देखा, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, तो शबरी ने भी हवा में ही पूछ ले क्या देखूं। बोले शबरी देखी राम बेटाए, शबरी देखी राम बेटाए, अरे तेरे द्वार पर राम आए, मुनि के वचन समुझ जिय उर बन मा।
की चेतना न करी, शबरी देख तेरे दरवाजे पर राम आए, शबरी देख राम गृह आए। तो जैसे ही द्वार की राह खोलकर शबरी ने देखा है तो दो राजकुमार, अरे मेरे गुरुदेव कहकर गए थे कि पुरुष वेश में पहली बार तेरे द्वार पर कोई आए, समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा तेरे द्वार पर कभी कोई आएगा ही नहीं। गुरुदेव की बात याद आ गई, मुनके वचन समुझ जिये भाए, दौड़ कर गई है द्वार खोला और प्रभु के चरणों में लिपट गए। शबरी परी चरण लपट आई, नेत्रों के आंसुओं से चरण धो डाले शबरी जी। जब तक भगवान ने शबरी जी को दूर से देख रहे थे तो प्रभु को लग रहा था शबरी जी का आश्रम है, शबरी के आश्रम पगुधारा। लेकिन भगवान ने जब शबरी जी को बिल्कुल निकट से देखा तो भगवान को लगा नहीं नहीं आश्रम नहीं, मैं तो कौशल्या माँ की जैसे गोद में आ गया हूँ। शबरी देख राम गृह आए, ऐसा लगा जैसे अयोध्या में माँ की गोद में आ गया हूँ। आसन देना भूल गई, प्रभु ऐसी धरती पर बैठ गए। माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, जब घर से चले थे सब रोआ पीटर इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हुई, बीच में कोई खिलाने वाला नहीं, बहुत भूख लगी है, जो रखा हो सो ले। देखो आप सब माताएं यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं माँ को देखते ही बेटे को भूख लगने लगती है, कुछ न कुछ खाने को मांगता है। और जो पुरुष बैठे हैं ना बड़ी बड़ी उम्र के भी, जिनकी माँ जीवित है वो ज़रा याद करो अपनी, जब आपको भूख लगती है आप पत्नी से नहीं कहते कि बड़ी भूख लग रही है भोजन लाओ, माँ से कहते माँ बड़ी भूख लग रही है कुछ खिलाओ। माँ फिर बहू को कहती है कि जरा कुछ लेके आओ, कहना पड़ता है। माँ को लाती तो पत्नी ही है, लेकिन आदमी कभी पत्नी को नहीं कहता, जब तक माँ जीवित है वो माँ से ही कहता। भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है, तो कंद मूल फल सुरसती और दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाए। प्रभु ये नहीं देखते तेरे हृदय में क्या है, तू क्या चढ़ा रहा है ये नहीं देखते, तू कैसे चढ़ा रहा है ये, तू क्या लाया है ये नहीं देखते, तू कैसे लाया है ये देखते। शबरी पास में बैठी थी तो हिलकी भर भर कर रोने लगी। भगवान ने पूछा माँ रोती क्यों हो, बोले अपने अभागेपन को रोती हूँ। अभागापन, आप अभागी कैसे, बोले अभागी हूँ प्रभु, अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, अयोग्य हूँ, अछूत हूँ, नारी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ। प्रभु मैं भी शिक्षित होती आपकी स्तुति विधि विधान से करती, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, केही विधि सब गाइए शबरी बोल रही है, स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति नहीं आपकी स्तुति करूं, अधम हूं, नीच हूं, अयोग्य हूं, अछूत हूं, नारी हूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। बोले क्यों, बोले आपकी स्तुति तो विधि विधान से की जाती है और मुझे तो विधि आती नहीं, भगवान का विधि को आग लगाओ, अब विधि की जरूरत क्या है। बोले कारण, बोले विधाता तो तेरी बगल में आकर बैठा है, विधि का क्या करोगे, विधि को जाने दो, मैं विधि से नहीं मिलता, मैं तो प्रेम से मिलता हूं, राम ही केवल प्रेम, मैं मंत्रों के उच्चारण से नहीं मिलता, मैं तो मन की पुकार से मिला करता हूं। और सुनो शबरी जी, मैं तो जाति पात कुल धर्म बढ़ाई,
कह रघुपति सुन भामिनी बाता। बूढ़ी है शबरी जी, लेकिन भगवान भामिनी कहकर बोले, सुंदर वही है भजन में डूबा है, जो भक्ति करता है वही भामिनी है, वही सुंदर है। दस प्रकार से आदमी बड़ा होता है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, इन दसों चीजों से व्यक्ति संसार में बड़प्पन प्राप्त करता है। भगवान कहते दसों हैं और भक्ति नहीं है, तो मैं तो ऐसे समझता हूँ जैसे बिन जल बारिद देखिए तैसा, जैसे बिना पानी के बादल। मैं तो भक्ति के संबंध को स्वीकार करता हूँ। और भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, शबरी जी को कहते हैं, नवमह एक जिनके होई, नौ में से एक भी जिनके जीवन में है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी मुझे अतिशय प्रिय। देखिए संसार की परीक्षा पास करनी हो तो दस सवालों में से पांच सवाल हर कर रहे होते तब परीक्षा में पास होता है, और भगवान की परीक्षा पास करनी हो नौ सवालों में से एक सवाल हल कर दीजिए, भगवान उसी को पास का सर्टिफिकेट दे देते हैं। नव मह एक जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। बहुत मार्मिक प्रसंग है, कभी गंगा मैया की कृपा होगी तो पूरा प्रसंग नवदा भक्ति पर ही सुनाएंगे। इस समय इसको प्रसंग को प्रणाम करते हैं। और अब शबरी जी से कहा कि हमको सीता जी का पता बताइए। बोले पंपा सरो जाओ रघुराई। आप पंपा सर जाइए और वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी, आगे का मार्ग। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, शबरी जी योग मार्ग से प्रभु के धाम चले गए। थोड़ी दूर आगे चले तो रास्ते में हिरन हिरनियाँ चल रहे थे। हिरनों ने देखा कि दो धनुष बाण वाले राजकुमार आ रहे, तो हिरन भागने लगे। हिरनियों ने डांटा, अरे दिमाग खराब है, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बताएं आपको, केवल मनुष्य की पत्नी पति को नहीं डांटती है, पशुओं की पत्नियां भी डांटा करती है। पत्नी सबकी एक सी होती है भाई, पत्नी सबकी एक सी होती है, चाहे किसी की भी हो। तो उनको डांटा, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले दिखाई नहीं दे रहा, ये मारने आ रहे हैं धनुष मार। अरे बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, ये तुमको मारने नहीं आ रहे। तुम आनंद चनमर खोजने आए हैं। भगवान ने सुना इन जानवरों की बातें, प्रभु रो पड़े, लखन देख ले मेरी दुर्दशा, अगर मैं माया के पीछे नहीं दौड़ता तो जगत के जानवर भी मेरा उपहास आज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होती। यहां से भगवान आगे चले, बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। इस ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर सुग्रीव निर्वासन काल बिता रहा है, हनुमान जी आदि सेवकों के सहित। सुग्रीव ने देखा हनुमान जी कोई दो बड़े राजकुमार आ रहे हैं, मेरे मन में बड़ा मैल आ रहा है। अब देखिए कितना व्यक्ति पापी और कितना वासना में डूबा होगा। अरे भगवान का तो नाम लेकर मन का मैल दूर होता है, ये भगवान का दर्शन करके भी कह रहा है कि मेरे मन में ऐसा करो, आप वेश बदल कर जाओ, और अगर ये बाली ने भेजा हो तो बस तुरंत मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत भागूं, तुरंत तजाऊं, यह शैला। देखिए सुग्रीव से प्रसंग में हमारे लायक एक ही बात है, दुनिया भर के सारे दुर्गुण सुग्रीव में हैं, विलासी है, भोगी है, आलसी है, भगोड़ा है, कायर है, सब कुछ होने के बाद इसकी मित्रता हनुमान जी से है, संत से है। और ये हमारे लिए सूचना है, जैसे हनुमान जी से मित्रता थी तो हनुमान जी ने भगवान से इसको मिलवा दिया। ऐसे हजार दुर्गुण हमारे अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा किसी संत से संबंध हो जाए तो हजार दुर्गुण होने के बाद भी ये संत एक दिन भगवंत से जरूर मिलवा देंगे, ये गारंटी है, शास्त्र की बात है। अब यहाँ से ब्राह्मण वेश में श्री हनुमान जी आ रहे। मैं बहुत से प्रसंग काट कर यहाँ तक आना चाहता था, चूंकि मुझे आज हनुमान जी की बहुत याद आ रही थी, शनिवार भी था, थोड़ी देर जरा हनुमान जी से बात करेंगे, इसलिए मैं बहुत से प्रसंग छोड़कर मैंने कहा अच्छा हनुमान जी ने कहाँ छलांग लगा के चले जाए, मैंने कहा ठाड़े रहियो हनुमान जी, ठाड़े रहियो।
हनुमान जी आ गए। इस समय कथा में श्री हनुमान जी का लीला मंच पर प्रवेश हो रहा है। दो चार मिनट हनुमान जी के बारे में विचार करिए। देखिए रामचरितमानस में आप देखिए और चित्रों में देखिए, भगवान के साथ हमेशा हनुमान जी आपको दिखाई देंगे। एक भी झांकी भगवान की ऐसी नहीं जब हनुमान जी ना हो। हनुमान जी को भगवान क्यों साथ रखते हैं और हनुमान जी को भगवान हाथ पकड़कर अपने पास क्यों बिठाते हैं, ये प्रसंग समझ ले के लायक है। तो हम भी वो गुण अगर अपने अंदर ले आएंगे तो भगवान हमको भी हाथ पकड़कर अपने चरणों के पास बिठाएंगे। तीन गुण हैं हनुमान जी में जिसके कारण से भगवान हाथ पकड़कर हनुमान जी को अपने पास रखते। तीन गुण, पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है दुनिया में आज तक। कोई बताओ हनुमान जी का नाम क्या है? चलो अभी परसों तक हम हैं तब बता देना, पूछ पाछ के बता देना, ये विद्वानों की नगरी है। ये जो नाम लिए जाते हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता च, दशग्रीव दर्पहा, ये नाम नहीं है उनके गुण हैं। हनुमान चूंकि उनकी हनु टूटी हुई है, बजरंग बली, पवन पुत्र, केसरी नंदन, जो भी उनके नाम हैं ये सब उनके गुण हैं, उनका कोई नाम नहीं है। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी अपना नाम आपने क्यों नहीं रखा? बोले क्यों? बोले दुनिया अपना नाम रखती है, लोग तो पत्थर पर खुदवा के रखते हैं अपने घर के बाहर, और आपने अपना नाम कोई नहीं रखा। हनुमान जी ने कहा जानबूझ के नहीं रखा। क्यों? बोले जिसका नाम होता है उसको बदनामी जरूर मिलती है, जो है नाम वाला। क्या काम है तो कल को कोई नहीं आ गया, मेरे अंगने में सबका काम है। तो जो नाम होता है जिसका उसको बदनामी होते। देखिए हनुमान जी को कोई अपयश नहीं है, दोनों भगवानों को अपयश मिला है, श्राप तक हुआ है। क्यों? इनके सहस्र नाम है। राम जी को भी श्राप हुआ है, कृष्ण जी को भी श्राप हुआ। जिसका नाम होगा उसकी बदनामी होगी। एक बार हरिद्वार के लोग गए तो बोले हनुमान जी आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? बोले क्या करोगे नाम का? अरे बोले आपके नाम का सुमिरन करेंगे। अरे बोले भले आदमियों, कोई बंदर का भी नाम लिया जाता है, नाम तो किसी सुंदर का लेना चाहिए। तो पूछा भी सुंदर नाम किसका है? हनुमान जी ने कहा दो ही नाम सुंदर हैं। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, ओ जग में श्याम सुंदर सरकार का है, नाम तो मेरे राघवेंद्र सरकार का है। हनुमान जी श्री विभीषण जी के यहाँ पहुंचे, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो विभीषण जी ने कहा कथा तो आपने बड़ी सुनाई बढ़िया, लेकिन आपका कभी नाम नहीं सुना हमने, टीवी पर भी कभी नहीं देखा आपको कथा कहते, इतनी सुंदर आप कथा कहते, आपका नाम क्या है? हनुमान जी का नाम का क्या करोगे? कथा सुन ली। बोले नाम इसलिए कि कोई मान लो हमसे पूछे कथा करानी है तो आपका नाम बता देंगे। तो हनुमान जी का नाम तो हम आपको बाद में बताएंगे अपना, पहले हम आपके अपने नाम की महिमा आपको बता देते।
विभीषण बोले आपके नाम की महिमा भी है क्या? अरे बोले हमारे नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। बोले क्या महिमा है? बोले सुन लो, प्रातले जो नाम हमारे नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि प्रातः काल कोई हमारे नाम का स्मरण कर ले उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। कहो बताऊं अपना नाम? विभीषण बोले भाड़ में जाने दे, भाड़ में नाम छोड़ा। आदमी नाम के लिए मरा जा रहा है, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। मरघट में हैंड पाइप लगवाएगा वहां भी पटिया गुड़वा देगा, प्याऊ लगवाएगा किसी टोंटी में से पानी नहीं निकल रहा है फिर भी नाम खुदवा देगा। नाम के लिए व्यक्ति मरा जाता है। मेरा नाम पत्रिका में न छापा तो नाराज। अरे हम तो रोज देखते हैं, मुझे तो रोज पाला पड़ता है नाम वालों से। ये जो अनाउंसर संयोजक बनाए जाते हैं, मंच संचालक, ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति बनाए जाते हैं जो सबको साध लें। अब चूंकि माल्यार्पण का समय है और भीड़ बहुत होती है और सूची आ गई, मान लीजिए किसी एक का नाम छूट गया तो जिसका नाम छूट जाता है वो ही लड़ने आ जाता है, चंदा वापस कर, चंदा वापस कर। चंदा भी ले आया और नाम भी नहीं बोल रहा है। हम सब नाम के लिए मरे जाते हैं। जो नाम छोड़ता है, भगवान कहते हनुमान अगर तू अपना नाम छोड़ देगा तो सुन दुनिया में मुझसे ज्यादा तेरा नाम चलेगा। और आप देखिए सारी दुनिया में सर्वे करके भगवान श्री राम के जितने मंदिर नहीं है उससे 100 गुने मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। हर चौराहे पर, हर पीपल के नीचे, हर जगह हनुमान जी। नाम छोड़ा, रूप छोड़ा, हनुमान जी कुरूप हो गए, बंदर जैसा। कहते ना कैसा बंदर जैसा मुंह, कैसे बंदर जैसे दांत, तो कुरूप हो गए। हनुमान जी के पास कुछ लोग शिकायत लेकर गए, बोले महाराज हम तो आपका दर्शन करने आए और आपने ऐसा कुरूप बना लिया है कि आपको देखते ही डर लगता है। तो हनुमान जी का मेरा दर्शन ही क्यों करते हो, बंदर का दर्शन करके क्या करोगे? दर्शन करना था आओ मेरे साथ, और हाथ पकड़कर भगवान के भवन में ले गए और सामने दिखा दिया, वो देखो फूलों में सज रहे के बिहारी, फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही
बंदर को क्या देखना, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करो। रूप छोड़ा, भगवान ने कहा हनुमान अगर तू अपना रूप बिगाड़ेगा तो सुन, मेरे रूप का तो दर्शन दुनिया को बाद में होगा, पहले उन्हें तेरे रूप का दर्शन करना पड़ेगा। बैठ मेरे द्वार पर राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा के तुम सारे, हो तन आज्ञा के तुम सारे। मनुष्य अपना रूप सजाने के लिए दिन में कितने बार शीशा कंघा देखता है और भगवान की पोशाक 6 महीने तक नहीं झाड़ता। भगवान के मंदिर में 6-6 महीने हो जाते, पोशाकें नहीं बदलता है। तो हनुमान जी ने नाम छोड़ा, रूप छोड़ा, और जिसको छोड़ना किसी के वश की बात नहीं, यश छोड़ा। आदमी प्राण देता है यश के लिए कि चौराहे पर प्रतिमा लगेगी, छुट्टियां होंगी, माताएं रोती इस बात के लिए, कुछ भी कर लो इन मिटों के लिए, कभी कोई यश देता ही नहीं, कुछ भी कर लो कोई यश देता ही नहीं। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, कोई यश नहीं दिया। आप देखो यश से कितने दूर होंगे। एक दिन भगवान हनुमान जी भी बैठे थे, प्रमुख बानर बैठे थे, तो हनुमान जी से भगवान ने कहा हनुमान मैंने सुना तुम 400 कोस का सागर पार करके चले गए, किसी का साहस नहीं हुआ, कैसे चले? बोले महाराज जी शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई, हम शाखा जाने वाले लोग हम किसी काम के होते हैं क्या? हम तो शाखा से शाखा पर जाते हैं। और आप सब जानते हो जो शाखा जाते हैं ना, उनकी पत्नियों से पूछो शाखा वाले कितने काम के होते हैं। गए थे सब्जी लेने, सब्जी तो लेना भूल गए, 4 जलपान वाले मुस्टंडे और पकड़ लाए कि इनको चाय पिलाओ। सब वो देखो हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे, मंडल कार्य वाते एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते, और पूर्ण गणवेशधारी थे दंड सहित। उस समय लाल गणवेश रहा होगा, रंग बदलते रहते। महाराज हम तो शाखा पर इधर से उधर कूदने वाले। बोले फिर कैसे पार हो गए? बोले प्रभु मुद्रिका मेरी मुख भाई, 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 जलधि लागी गए मुद्रिका की कृपा से। बिल्कुल अवधी भाषा में भगवान बोले तो मुदरी उस पार किया, आपकी मुद्रिका से पार चला गया। अच्छा मेरी मुद्रिका से गए? हाँ। तो मुद्रिका तो तुम सीता जी को दे आए थे? बोले हाँ जी। अच्छा जब लौट कर आए थे तो सागर कुछ सुकुड़ गया था कि उतना ही था? बोले सागर तो महाराज उतना ही था। अच्छा कुछ गहराई कम हो गई होगी? बोले नहीं गहराई उतनी रही। तब भगवान ने कहा कि जब मेरी मुद्रिका से पार गया और लौटते समय तो मुद्रिका तेरे पास थी नहीं, तो तू फिर पार कैसे आया? अब देखिए हनुमान जी कितना यश को दूर रखते, बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया तो ये मुदरी उस पार किया, और चूड़ामणि इस पार, आपकी कृपा ने माँ के चरणों तक पहुंचा दिया और माँ के आशीर्वाद ने आपके पास था। तो मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार, भगवान मुस्करा रहे किसी बात में फंस गए। अच्छा एक बात बता, कई विध दहे दुर्गत बंका, इतना बांका दुर्ग तेरे जला कैसे दिया? हनुमान ने कहा महाराज मेरा नाम मत लगाना, मैंने नहीं जलाया है। बोले नहीं टीवी में ब्रेकिंग न्यूज में तेरा नाम आ रहा था कि हनुमान ने लंका जलाई, अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज थी तेरे नाम की। बोले सरकार ये समाचार वालों ने गलत समाचार छापा, मैं तो बिल्कुल नहीं था। बोले नहीं सच बता, मैं सच कह रहा हूँ प्रभु मैंने नहीं जलाया। बोले किसने जलाया है? बोले बहुत भीड़ थी, अब किसने जलाया मुझे क्या मतलब, भीड़ भाड़ थी। बोले कुछ तो तुमने पहचाने होंगे? बोले हाँ कुछ तो पहचाने थे। बोले महाराज फिर आप भी पकड़े जाओगे? बोले कैसे? बोले कोई एक ने थोड़ा ही जलाई थी। बोले किस किसने जलाई?
बोले लंका जलाई सीता जी के विरह के ताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई ब्राह्मणों के साप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था, मेरे पापा जी थे, मैं कहीं था, मेरे बाप ने तो जलाई। हर प्रेरित अवसर चले वरत ऊंचा, तो ही मुदरी उस पार किया और चूड़ा मनी इस पार। सिय बिरह लंका जरी प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी कितना यश से दूर रहते। एक बार भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान हमने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को राजपद दे दिया, किसी को युवराज पद दे दिया, भले आदमी अभी सरकार थोड़े दिन हमारे पास है, कोई तू भी पद ले ले, कोई निगम वगैरह का तू भी कोई पद ले ले। हनुमान जी ने कहा, महाराज हम पद नहीं ले सकते। क्यों? बोले पद के साथ भूत जुड़ जाता है, जो भी पद लेता है उसके साथ भूत जुड़ जाता है, और आपको हमारे बारे में मालूम है। बोले तेरे बारे में क्या है? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, 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 महावीर जब देखते रहिए। हरिद्वार भी कुछ दिन भूतों से भर जाएगा। एक 10-5 साल आप देखोगे तो 10-5 साल में हरिद्वार में हर गली गली में भूत मिल जाएंगे आपको। तो हनुमान जी ने कहा कि भूत हमारे पास नहीं आ सकता, और पद लेते हैं तो भूत लगता है। बोले नहीं मैं कर रहा हूं, ले लो। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा आप देना ही चाहते, हाँ तो आपने सबको एक एक पद देकर राजी कर दिया, किसी को राजपद किसी को राजपद, मैं एक पद से तो राजी नहीं हूंगा। भगवान का दुनिया में जितने पद हैं बोल, तुझे उसमें से कितने पद दे दूं बता। और जैसे ही भगवान ने कहा कितने पद दे दूं, तो तुरंत हनुमान जी ने भगवान के दोनों श्री चरण पकड़े और कहा, प्रभु मुझे तो ये दो पद दे दिए, बाकी पद किसी को भी दे दे, मुझे तो ये दो। जाय हिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तास और सो राव। हनुमान जी ने यश भी छोड़ दिया। भगवान कहते, हनुमान अगर तू अपना यश छोड़ेगा तो केवल मैं ही तेरा यश नहीं गाऊंगा। बोले तो सहस बदन तुम्हारो यश गावे, सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, अस कही श्रीपति कंठ के लाडले हो गए। नाम रूप और यश तीनों छोड़ा। जिनको राम चाहिए वो हनुमान जी की शरण में जाइए, जिनको भोग चाहिए ऐश्वर्य चाहिए रिद्धि सिद्धि चाहिए वो भी हनुमान जी की शरण में जाइए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता राम मिलाए राजपद दीना। भोग भी प्राप्त करा सकते हैं और भगवान को भी प्राप्त करा सकते हैं। हनुमान जी से अगर अच्छी जान पहचान आपने कर ली
फिर किसी और देवता की चमचागिरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देवता चीतन देवता की खुशामत करने के लिए अंगूठा दिखाओ। हनुमान जी जिस देवता को कहोगे उसी को मकान सहित ले आएंगे, आने भवन समेत तुरंत। और जो कार्य भगवान राम भी नहीं कर सकते, दूर से जाता है छुड़ाया पास जाकर जाता है। मान लो आप किसी संकट में फंस गए और यहाँ के किसी नेता के पास आप गए कि सरकार ऐसे ऐसे संकट हो गया है, बोले ठीक है आप जाइए चिंता मत करो हम फोन कर देंगे। अब फोन किया नहीं किया, अधिकारी ने उठाया नहीं उठाया, बात मानी नहीं मानी, ये तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन छुड़ाने के लिए थाने जाना पड़ेगा। इसलिए जब कभी मान लो इनकम टैक्स का छापा आ जाए तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन श्री हनुमान जी। इनको प्राप्त करने का मंत्र क्या है? श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र भी है, सिद्ध ग्रंथ भी है और सिद्ध पंथ भी है। हनुमान जी तक पहुंचने के लिए पंथ है हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करने के लिए सिद्ध ग्रंथ है हनुमान चालीसा, और जपने के लिए मंत्र है श्री हनुमान चालीसा, और बाकी देवी देवताओं के मंत्रों को जपने का विधि विधान है, शुद्धि अशुद्धि का डर है। और हनुमान चालीसा को सिद्ध करना हो तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, गवाही दे रहे हैं। पढ़े, ये नहीं कहा कोई यह पढ़े, जो भी पढ़े, बेटा पढ़े, बेटी पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, शूद्र पढ़े, पढ़ा लिखा पढ़े, बिना पढ़ा पढ़े, बैठ कर पढ़े, लेट कर पढ़े, खड़े होकर पढ़े, टहल कर पढ़े, खा कर पढ़े, नहा कर पढ़े, बिना खा कर पढ़े, बिना नहा कर, जैसे चाहे वैसे पढ़े, जब चाहे तब पढ़े, जहां चाहे वहां पढ़े, बेड़ा पार होता है, इसमें कोई शर्त नहीं, केवल पढ़ो। पढ़ने का कोई नियम नहीं होता, अखबार पढ़ने का कोई नियम नहीं, टांग पे टांग रख के पढ़ते रहो, चाय पीते रहो, लेट कर पढ़ो। हमको तो लेट कर पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है, बैठे तो कमर दर्द करती है। कैसे भी पढ़ो, पढ़ने का कोई नियम नहीं है। आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं हमको बैठ के पढ़े तो भी शर्म लगती है, व्यस्त हैं, हम कैसे पढ़ें? बिल्कुल सरल रास्ता बता रहा हूँ। जब आप बाथरूम में स्नान करते हो, नहाने के बाद शरीर पहुंचने के लिए जैसे ही आपने तौलिया हाथ में पकड़ी और सिर पहुंचना शुरू किया, गाना शुरू कर दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोको जागर, राम दूत दुलित बल रामा, और कच्चा बनियान पहनते पहनते तक हनुमान चालीसा पूरा हो जाएगा, झंझट खत्म हुआ। जान जो यह पढ़े, पढ़ने का जहां चाहो वहां पढ़ो। ऐसे श्री हनुमान जी को केवल एक पद कीर्तन की रात, केवल एक पद हनुमान जी को गा लीजिए। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज जाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज जाने आनो है, धन
सजो प्यारो हे कृपा आज करो दरबार उठारो ऐसो सजो प्यारो हे कृपा आज करो भगतान दर्श दिखा हृदय में प्रेम जगा चरणा को का दर्शन तो अब कल सायंकाल 4 बजे हाथ खड़े रखो आंखें बंद अब भगवान का दर्शन और मेरे साथ साथ बोलिए जो रात्रि को सोते समय की क्रिया है सब बोलिए हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं माथा टेकिए प्रणाम करिए फिर दूसरी बार हाथ उठाइए दर्शन करिए फिर बोलिए हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ फिर माथा टेके फिर तीसरी बार हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है मैं आपको सादर प्रणाम करता माथा टेकिए प्रणाम करिए सभी पूज्य संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ वाणी को विराम देता हूँ कल ठीक 4 बजे कल सुंदरकांड की कथा होगी बोलिए गंगा मैया की जय सूचना सुनेंगे आरती गाएंगे तब जय आरती के लिए श्री ओम प्रकाश जी ब्रजवासी श्री नवीन सिंगल जी श्री वेद प्रकाश जी त्यागी गुड़गांव वाले श्री विमल जी यदि समय हो तो अंत में परिचय करा दें श्री राकेश अग्रवाल जी विधायक बरेली विगत 5 बार से विधायक श्री मनोज गर्ग जी सुनील अग्रवाल जी इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी रविंदर सिंगल जी जितेंद्र कुच्छल जी मुजफ्फरनगर निशान कुच्छल जी अनिल अग्रवाल उर्फ चाचा जी अजय कुमार जी कल के प्रसाद की व्यवस्था हेतु 51,000 का सहयोग भी आपने दिया है श्री रायेश्वर बंसल जी शामली श्रीनिवास गोयल जी शामली और सार्थक मोती जी राधिका मोती जी श्री ललित जी और श्री हे राजा राम मेरी आरती उतारू आरती उतारू मैं तो तन मन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी
हे सीता राम तेरे आरती उतारू, हे राजा राम तेरे आरती उतारू। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्य कौशल जी महाराज की जय, पूज्य सभी संत समाज की जय। बोले जय जय श्री राधे।